हमारे साथ में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री प्रकाश जी है। प्रकाश जी भाई साहब, प्रकाश बिश्नोई की लोकसभा चुनाव में क्या भूमिका है? प्रकाश बिश्नोई युवा मोर्चा कार्यकर्ता होने के नाते पूरे जालौर सिरोही में युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने भजनलाल जी से सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के पद पर बनाया, उसी तरह हमारे लूमा राम जी जो 42 साल से बूथ अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष पार्टी के काम किया, जिस तरह से सामान्य कार्यकर्ताओं को पार्टी ने टिकट दिया, उसी तरह प्रत्येक जालौर सिरोही के अंदर प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक आम जन उस सामान्य व्यक्ति के लिए दिन जोड़ मेहनत करके उनको भारी मतों से यहाँ से विजय बनाएंगे। और सामने वाला जो प्रत्याशी है बाहरी है, यहाँ का भला नहीं करने वाला है, इसलिए लूमा राम जी जो गरीब आम किसान और प्रत्येक व्यक्ति की समस्या से जानते हैं, इसलिए आम जन का पूरा आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। लोग कह रहे हैं कि बाहरी तो कैलाश मेघवाल यहाँ से चुन के गए थे, सुशाल बंगारू की बात करें या फिर बूटा सिंह की बात करें, ये कह रहे हैं कि बाहरी, ये मैं तो मारवाड़ का हूँ, वैभव गहलोत हमेशा कहते हैं, ये बाहरी कह रहे हैं तो इनके खुद के गृह क्षेत्र में इनको 3 लाख मतों से हार का सामना करना पड़ा। इनके खुद की विधानसभा अशोक गहलोत जी उस समय सीएम थे, वहां से ये 29,000 से बीचे रहे थे, वहां से उन लोगों ने उनको नकारा है, तो यहाँ की जनता एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती। अब ये बात करें यहाँ विकास हम करवाएंगे, मैसेज आ रहे हैं कि सड़कों का विकास करवाएंगे, फलाना विकास करवाएंगे, यदि इनके पिताजी 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, इनकी विकास करवाने की आशा होती है, तो जालौर सिरोही में इस तरह की पिछले 5 सालों में जो दुर्दशा की है ऐसी दुर्दशा नहीं करते, इसलिए इनसे विकास की आशाएं बिल्कुल और मान ही नहीं सकते। लूमा राम जी सामान्य कार्यकर्ता है, आम गरीब का दर्द जानते हैं, ये यहाँ की मांगे संसद में उठाएंगे और यहाँ के जालौर सिरोही के सर्वांगीण विकास के अपना प्रयास करेंगे। प्रकाश जी, वैभव गहलोत कहीं भी जाते हैं एक बात जरूर कहते हैं कि जालौर सिरोही की क्षेत्र की जनता ने 20 साल भाजपा का सांसद यहां पर जिता कर दिल्ली भेजा, जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मैं जानता हूं ये चीज 10 साल से नरेंद्र मोदी जी की देश के अंदर में सरकार है, मोदी ने ऐतिहासिक फैसले किए, जो व्यक्ति कह रहा अब हम विकास करवाएंगे तो उनके पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे तब नहीं करवा पाए, और यहाँ से सांसद रहे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भागीदारी रही, तो जरूर मोदी जी की सरकार ने और जालौर सिरोही की भागीदारी रही, जिससे मोदी जी ने अपने संस्कृति के लिए और देश के लिए बहुत अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं। और जैसे जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, भली किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान योजनाएं हो, जिस हजारों योजनाएं हैं जो आम गरीब कल्याण के लिए चल रही है,